किसी भी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमेशा हम तत्पर है। समय समय पर पुरातत्वविदों को वास्तव में उल्लेखनीय विचित्र खोजों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी खोज इतनी आश्चर्यजनक होती है कि वे यह समझाने में असमर्थ होते हैं कि उन्होंने क्या पाया है या वो खोज कैसे अस्तित्व में आया। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसी 5 अनोखी खोज के बारे में बताते हैं जिसे आप कभी यकीन नहीं करेंगे। सन 1929 में इतिहासकारों के एक समूह ने वह किया जिसे केवल एक अद्भुत खोज के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसे एक चिकारे की त्वचा पर लिखा गया है। अध्ययन और शोध के बाद उन्होंने पाया कि यह तुर्की नौसेना के एडमिरल पीरिग्रिस द्वारा सन 1513 में तैयार किया गया एक वास्तविक नक्शा है। रिस ने यूरोप और उत्तरी अफ्रीका, ब्राजील के तट, कई द्वीपों जैसे अजोरेस, कैनरी द्वीप और एंटीलिया के पौराणिक द्वीप, जापान और यहाँ तक कि अंटार्कटिका को चित्रित किया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं है कि यह दर्शाता है कि हमें कई खोजपूर्ण खोजों के लिए कालक्रम पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, बल्कि यह अंटार्कटिका की स्थलाकृति को बर्फ से ढके नहीं होने और बड़े विस्तार के रूप में वर्णित करता है। इस नक्शे में अंटार्कटिका का यह उल्लेख विशेष रूप से पेचीदा है। सोचने की बात यह है कि आधी सहस्राब्दी पहले के एक तुर्की एडमिरल ने उस महाद्वीप का नक्शा कैसे बनाया जो पिछले 6000 वर्षों से बर्फ से ढका हुआ है। नाजका चित्र या रेखाएं निश्चित रूप से उनके बारे में कुछ और ही है। इसे सन 1913 में खोजा गया जब अमेरिका ने 2 नई वाणिज्यिक लाइनों का उद्घाटन किया। वे 450 वर्ग में परिव्याप्त है। ये रेखाओं ज्यामितीय आकृतियों, जानवरों की आकृतियों का चित्रण करते हैं जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। चाहे देवताओं के लिए बनाया गया हो या किसी अन्य कारण से, यह स्पष्ट है कि वे आकाश से देखे जाने के लिए बने थे। ऊपर से ना देखे ये डिजाइन बनाना मुश्किल है। साइंटिस्ट्स आज भी इसको लेके कोई भी जवाब नहीं दे सकते। सन 2022 में पुरातत्वविदों को 150 से अधिक नई नाजका रेखाएं मिली थी जिसके कारण इन रेखाओं को कैसे और क्यों बनाया गया, इस पर और भी अधिक अटकलें लगाई गई। अभी के लिए हालांकि हम वास्तव में निश्चित नहीं है। माइक्रोनेशिया के पास 800 ईसा पूर्व एक प्रवाल भित्ति पर नानमदोल शहर 200 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया था। इसमें लगभग 100 कृत्रिम द्वीप शामिल थे जो विशाल बेसाल्ट ब्लॉकों से बने थे और वायडक्ट से जुड़े थे। शुरू से ही यह हमें अपनी विचित्र और भव्यता के मिश्रण से चकित करता है तथा असंगत लगता है। 250 मिलियन टन अपतटीय बेसाल्ट कहीं एक जगह पे मिलना असंभव है। इन विशाल ब्लॉकों का उत्खनन, परिवहन कैसे किया गया और इसे सही स्थान पर कैसे रखा गया, ये हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये एक प्रभावशाली इंजीनियरिंग उपलब्धि था। इसके अतिरिक्त इसके विकास के पीछे का तर्क एक रहस्य बना हुआ है। पुरातत्वविदों के पास इस बात के कुछ सुराग है कि इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार सभ्यता का क्या हुआ। रहस्य विशेष रूप से हैरान करने वाला है क्योंकि नानमदोल पर न तो ताजा पानी है और न ही भोजन। पानी को शायद नाव से और कहीं से लाया गया। इस सब के लिए अत्यधिक मात्रा में काम की आवश्यकता होती, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह क्यों और कैसे संभव हुआ। जबकि कुछ लोगों का अनुमान है कि यह डूबे हुए महाद्वीप का संकेत हो सकता है, लेकिन इसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। कुजको शहर के पास समुद्र तल से 3500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित इन अद्भुत दीवारों ने सबसे पहले स्पेनिश विजयवर्गियों को मोहित किया। ये सबसे आश्चर्य की बात है कि इस दीवार को किसने और क्यों बनाया। वे वास्तव में 3 संकेंद्रित दीवारें हैं जिनकी औसत लंबाई लगभग 307 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है, जो चुना पत्थर के ब्लॉक से बनी है
जिनमें से प्रत्येक का वजन लगभग 300 टन है। बनाने वालों ने दीवारों को बांधने के लिए मोर्टार या किसी अन्य प्रकार के सीमेंट का उपयोग नहीं किया, लेकिन उन्हें इस तरह से तराशा और रखा गया और इतनी बारीकी से पैक किए गए हैं कि एक तेज चाकू भी दो ब्लॉकों के बीच नहीं जा सकता। ये दीवार आज भी एक रहस्य बना हुआ है और सबको आश्चर्य और चकित कर देता है। भूविज्ञान एक अपेक्षाकृत नया विज्ञान है। प्रयोग के माध्यम से की गई प्रगति और विकास बिल्कुल उल्लेखनीय है और इससे कई अन्य क्षेत्रों में मदद मिली है। उदाहरण के लिए, एक मानव हस्तचिह्न का एक जीवाश्म चुना पत्थर में पाया गया था जो अनुमानतर 110 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना है। वैसे ही 300 लाख साल पहले की एक मानव पदचिह्न की स्पष्ट खोज किया गया है। इन अद्भुत जीवाश्मों के निशान और अवशेषों ने वैज्ञानिक समुदाय को अपना सामूहिक सिर खुजाने के लिए मजबूर कर दिया है। फ्रांस से खोदे जा रहे 65 मिलियन वर्ष पुराने अर्ध अंडाकार धातु ट्यूबों का कोई जवाब आज भी नहीं मिला है। ये कुछ रहस्यमय कलाकृतियां हैं जो समय के बादलों में छिपी रह गई है। एलियंस जादू या प्राचीन सभ्यता के प्रलोभन में पढ़ना आसान है, लेकिन इसके बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका वैज्ञानिक जानकारी के साथ काम करना है जो विश्वसनीय और उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी और एक जानकारी भरी वीडियो के साथ।